हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर त्रिपाठी। इंडिया को अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना है तो इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का मास्टर बनना होगा। इसलिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट भी इंडियन कंपनीज को फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कई तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। सो आज मैं आपको ऐसे ही टॉप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आगे मल्टी रिटर्न दे सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी स्टॉक्स ओनली इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। इन स्टॉक्स में किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी अच्छे से रिसर्च जरूर कर ले। किसी भी वीडियो या टिप्स के आधार पर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करने से बचे। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बनाने एंड रिसर्च करने में काफी टाइम एंड हार्ड वर्क लगता है। सो हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो के लाइक बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड एक सिंपल सा मोटिवेट करने वाला कमेंट कर सकते हैं। सो टॉप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स की लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक सीजी पावर है। सीजी पावर को उसके फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए गवर्नमेंट से 29 फरवरी 2024 को अप्रूवल मिल चुका है। यह प्लांट गुजरात के सानंद में बनेगा, जिसमें डेली लगभग 15 मिलियन चिप्स बनके तैयार होगी। सीजी पावर जापान की सेमीकंडक्टर चिप स्पेशलिस्ट रेंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के तहत इस प्लांट के लिए 7,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी। अभी सीजी पावर के टोटल रेवेन्यू को देखेंगे तो उसमें 52% लो टेंशन मोटर से एंड 22% पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर से आता है। वहीं पे 14% स्विच गियर एंड 12% अदर से आता है। सीजी पावर का 2024 जून क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो इसमें इसने 2,227 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे 18.86% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 1.63% ग्रो हुआ है। साथ में नेट प्रॉफिट 241 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 18.37% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 3.23% ग्रो हुआ है। और ईयरली बेस पे भी देखेंगे तो 2022 में 913 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, वहीं 2023 में 963 एंड 2024 में यह बढ़ के 1427 करोड़ हो गया है। स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे तो स्टॉक अभी 117 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ROCE इसका 46.6% एंड ROE 57.8% है, जो कि बहुत ही हाई और अच्छा है। कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में 141% से प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। वहीं पे सेल्स ग्रोथ 39.5% से ग्रो हुआ है। कंपनी के ऊपर 17.4 करोड़ का डेप्ट है, जो कि ना के बराबर है। इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01%, फेस वैल्यू 2 का है। कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड भी देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 58.09% है एंड FI की 14.64% एंड DI की 11.07% है। वहीं पे पब्लिक के पास 16.19% का शेयर है। सो प्रमोटर एंड FI DI की होल्डिंग भी अच्छी है। आपको क्या लगता है, सीजी पावर यहां से भी मल्टीबैगर रिटर्न देगा या नहीं देगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी सेकंड स्टॉक केन्स टेक्नोलॉजी है, जो कि इंडिया के फिफ्थ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, जिसे 2 सितंबर 2024 को इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुका है। इस प्लांट में सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग का वर्क होगा। इस प्लांट के लिए केन्स टेक्नोलॉजी गुजरात के सानंद में 3,307 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 6.3 मिलियन चिप्स पर डे की रहेगी। अभी प्रेजेंट में केन्स टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें OEM बॉक्स बिल्ड से 49% रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पे OEM प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली से 49.0% एंड ODM से 1.0% एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड IoT सॉल्यूशन से 1.0% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसने 503 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 69.59% ग्रो हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 20.92% डिक्लाइन हुआ है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट 50.78 करोड़ है, जो कि 106% ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो हुआ है। कंपनी का पास 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एक कंटिन्यू ग्रो हो रही है। कंपनी ने 2022 में 41 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, वहीं पे 2023 में 95 करोड़ का नेट प्रॉफिट एंड 2024 में 184 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। रेवेन्यू भी इसका कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। कंपनी के कुछ रेशियोस फंडामेंटल को चेक करेंगे तो कंपनी अभी 148 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 86
6.4 है, तो यहाँ पे इसका पी ज्यादा है। बट कोई भी ग्रोइंग सेक्टर या कंपनी जब भी उसमें फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिखता है तो उसको स्टॉक मार्केट ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। आरओसी इसका 14.5% है, आरओई इसका 10.5% है, फेस वैल्यू 10 का है एंड कंपनी के ऊपर 323 करोड़ का डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.13% है। ऑपरेटिंग मार्जिन 14.0% है, वहीं ईपीएस इसका 33 है। कंपनी ने पास 3 ईयर में 165% का प्रॉफिट पोस्ट किया है, वहीं पे सेल्स ग्रोथ इसका 62.5% से हुआ है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 57.83% है, एफआई होल्डिंग 14.27% एंड डीआई होल्डिंग 17.88% है, जबकि पब्लिक के पास 10.3%। केन्स टेक्नोलॉजी ने पास्ट वन ईयर में 145% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है और पास्ट फाइव ईयर में 550% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है, जबकि वहीं पे सीजी पावर ने वन ईयर में 58% का रिटर्न डिलीवर किया था बट फाइव ईयर में इसने 5,314% का रिटर्न डिलीवर करके दिया था। अभी नेक्स्ट स्टॉक टाटा ग्रुप का है। गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप के 2 सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूवल प्रोवाइड किया है। टाटा ग्रुप गुजरात और आसाम में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा। इन प्लांट की कॉस्ट 1.26 लाख करोड़ है, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगाएगी। यह प्लांट गुजरात के धोलेरा में बनेगा। इस प्लांट में 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम में चिप असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगाएगी। इस प्लांट पर 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अभी टाटा ग्रुप की किस कंपनी के अंडर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस रहेगा ये क्लियर नहीं है। गुजरात के धोलेरा का प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्वाइंट वेंचर में बन रहा है, जो कि टाटा सन्स के अंडर है। टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसके पास ये बिजनेस रहेगा, अगर आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिफ्थ प्लांट अमेरिकन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात के सानंद में लगा रही है, बट ये स्टॉक यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सो अभी तक 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, जो फुली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बाकी कुछ और भी स्टॉक्स हैं, जैसे एससीएल टेक, टाटा एलेक्सी, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एबीबी इंडिया, हेवेल्स इंडिया, बट ये सभी कंपनी अभी बहुत ही माइनर लेवल पे वर्क कर रही हैं। हो सकता है आगे चल के इनमें से कुछ कंपनी बड़े स्केल पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क स्टार्ट कर सकती हैं। इनमें से टाटा एलेक्सी एंड एससीएल टेक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क कर रही हैं एंड बीएल डिफेंस के रिलेटेड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये एक पीएसयू नवरत्न कंपनी है। सो इन पे नजर बना के रख सकते हो। और हाँ, अभी तक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और अगर आपको इसके अलावा भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले स्टॉक्स के बारे में पता है तो कमेंट कर सकते हैं, लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।